दिल मांगे मोर। मैं समझता हूँ कि थोड़ी नाराज़गी तो ज़रूर है। हम समझते थे कि काफ़ी जो रियल इस्टेट की साधारण मनुष्य को जो ख़रीदना पड़ता है उनको कठिनाई है, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में 45 लाख से ज़्यादा ही कॉस्ट होता है घर खरीदने में। तो PMAY स्कीम में जहाँ काफ़ी राहत दी हुई है और उसका समय एक्सटेंशन भी कर दिया है, वो मुंबई दिल्ली वैसे वगैरह शहर में कोई लागू नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम चाहते थे कि कुछ फ़ायदा मिले। हम समझते थे कि दो लाख ब्याज के ऊपर जो सीमा लगाई हुई है इनकम टैक्स डिडक्शन में, वहाँ कुछ बढ़ोतरी हो जाती तो अच्छा होता। लोग ये मांग कर रहे थे। हम समझते थे कि जो एक प्रोविज़न 43CA में है, जहाँ हम कम भाव में घर खरीदें रेडी रेकनर रेट के, या जैसे सर्कल रेट होता है, जंत्री रेट हो रहा है, उससे कम भाव में हम खरीदते हैं तो हमें पेनल्टी लगती है टैक्स में। तो हम तो चाहते थे कि कम भाव में ही खरीदें, क्योंकि बिल्डर देने को तैयार है, लेकिन इनकम टैक्स में हमें ये संभव नहीं है। तो ऐसे जो हम करेक्शन चाहते थे वो नहीं हुआ। लेकिन वैसे दूसरी तरह से हम देखा जाए तो जहाँ GST के कलेक्शन बढ़ गई और भी कलेक्शन कॉरपोरेट टैक्स इनकम टैक्स की बढ़ गई है, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में जाल रहा है। 4 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर डे कर रहे थे, अभी 35 किलोमीटर्स लेके जा रहे हैं दिन में। एक एक गांव में फाइबर पहुंचना है। हम तो सोच रहे थे कि रोड पहुंचेगा कि नहीं, लेकिन फाइबर पहुंचने वाला है, और बिजली तो पहुंच गई, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और अब कह रहे हैं कि टैप्ड वाटर एक एक गांव में पहुंच जाएगा, तो ये तो सब बड़ी बात है। मेरे अंदाज से ये पॉलिटिकल बजट 2022 के लिए नहीं है, 2024 के लिए ये पॉलिटिकल बजट बनाया गया है। तो देश की उन्नति प्रगति इतनी हो जाएगी 2024 में कि ये BJP गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री मोदी साहब के गवर्नमेंट 2024 को टारगेट कर रही है कि इतनी प्रगति होगी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो भी क्षेत्र है, जो भी ये कोविड के कारण नेगेटिव हो गया है, वो उस समय हो जाएगा और उनके ऊपर है। तो ये मैं बधाई देना चाहता हूँ सरकार को कि जो सरप्लस इन्वेस्टमेंट है वो सोशल कॉजेस को मिला के भी काफ़ी, जैसे नरेगा है और भी स्कीम्स किया है। हम चाहते थे कुछ अर्बन पॉवर्टी में है, जैसे नरेगा गांव में चल रहा है। हम समझते थे कि शहरों में भी गरीबी है, काफ़ी रेस्टोरेंट्स, होटल, ट्रैवल टूरिज्म में कठिनाई है, उसमें क्रेडिट के हिसाब से दिया है। तो हम समझते थे कि यहाँ और कुछ भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक फार रीचिंग डायरेक्शनल बजट किया गया है, और मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा। मेरे अंदाज से कोविड के बाद में ये वर्क फ्रॉम होम जो हुआ है उसके हिसाब से काफ़ी लोग घर खरीदने में लगे, तो इसलिए, और प्रोडक्शन कम हो गया था, इसलिए आज के तारीख में फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है। 2-2.5 साल पहले किसकी रिपोर्ट थी, JLL की रिपोर्ट थी या नाइट फ्रेंड की रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा कि वर्क इन प्रोग्रेस अनसोल्ड स्टॉक है, वो 4 साल का स्टॉक पड़ी है, और अभी उन्होंने रिपोर्ट निकाली तो बोले 1 साल का ही स्टॉक है। तो काफ़ी सेल इस समय हो गया है। हाँ, बीच में सेल नहीं हुआ था, लेकिन उसकी बात में हो गई। और महाराष्ट्र सरकार, जैसे सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी कम कर दी, डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह वगैरह कम कर दी, उसके कारण एक राहत मिल गई है स्टेट्स में, और मुंबई में, पुणे में, महाराष्ट्र में ये कठिनाई नहीं रही। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद मैं समझता हूँ हो गया है। तो पॉजिटिव सरकार को हम उम्मीद रखते हैं कि कदाचित महाराष्ट्र सरकार ये फिर एक्सटेंड कर देंगे, तो इस साल भी इसको फ़ायदा, लोगों को फ़ायदा हो जाएगा और घर छत खरीद सकेंगे। तो मेरे अंदाज से एक पॉजिटिव एटीट्यूड से हम देखते हुए हम समझते हैं कि अच्छी बात है।